بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه سراجًا وقمرًا منيرًا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، آج ہر طرف افراتفری، ذہنی طور پر پریشانیاں، مالی پریشانیاں، اور گھروں میں تناؤ، گھریلو زندگی کا سکون متاثر، ہر ایک کی زبان پر شکوہ، بہت حالات خراب ہیں. سب نہیں، لیکن اکثر لوگوں کی زبانوں پر آپ کو یہ کلمات ملیں گے، بہت حالات خراب. آپ 100 لوگوں سے ملیے تو تقریباً 95 لوگ یہ بات کہیں گے، حالات بہت خراب، کاروبار بہت خراب، کپڑا بک نہیں رہا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. یہ عمومی طور پر آپ کو یہ باتیں سننے میں ملے گی، اور ہر آدمی ذہنی طور پر اس میں مبتلا ہے، الا ماشاءاللہ. ہم اگر اس کے اسباب پر غور کریں کہ ایسا کیوں ہے، تو ایک ہے سوچنے کا انداز حالات کے تناظر میں، تو ہم اس میں حکومت کی پالیسیوں کو مورد الزام ٹھہرا دیں گے، یا کچھ اور اسباب اس کے ڈھونڈ لیں گے. لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، ایمانداری اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مادی مسئلہ نہیں ہے. یہ بگاڑ جو ہے یہ مادی نہیں ہے، اس کا تعلق ظاہر کے اسباب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کہیں اور سے ہے. اس کنیکشن کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں بہت واضح طور پر قرآن مجید میں قوموں کے تذکرے کیے ہیں. جب ہم موجودہ حالات پر غور کرتے ہیں اور پھر ان حالات کو قرآن کے سامنے رکھتے ہیں، تو ہم کو قرآن اس سلسلے میں رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن پچھلی قوموں کے واقعات بتاتا ہے کہ ان کے جو مسئلے بگڑے تھے اور ان پر جو حالات آئے تھے،
उसके अस्बाब बाहर से नहीं थे, अंदर से थे। वो भी बाहर ढूंढ रहे थे लेकिन मसला अंदर का था। और आप सब जानते हैं कि जो चीज जहां गुम हो जाती है वहीं उसको ढूंढा जाए तो मिल सकती है। चीज गुम कहीं हो और ढूंढा कहीं और जाए तो मिलने का सवाल नहीं पैदा होता। हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा जब वो बादशाह थे अपने महल में सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब देखा कि उनके महल में छत पर कोई चढ़ रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि तू इतनी सिक्योरिटी है, तू यहां कैसे आया और क्यों आया? तो उसने कहा, कहने लगे मैं अपने ऊंट को ढूंढने के लिए आया। तो कहने लगे तेरा ऊंट मेरे महल में कैसे मिलेगा और वो भी छत पर? तेरा ऊंट तो जंगल में मिलेगा, ऊंट महल में मिलने की चीज नहीं है और ना यहां खोया है। तो जो ऊंट ढूंढने वाला आया था उसने हजरत इब्राहिम बिन अधम से कहा कि इब्राहिम, बात तो तुम सही कह रहे हो कि ऊंट मुझे जंगल में तलाश करना चाहिए, जंगल में खोया जंगल में मिलेगा। इसी तरह तुमको भी अल्लाह को अगर तलाशना है और अल्लाह को पाना है तो यहां महल में अल्लाह नहीं मिलेगा, तुमको भी उसका रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो हजरत इब्राहिम बिन अधम को तनब्बो हुआ। हजरत इब्राहिम बिन अधम जब ख्वाब से बेदार हुए, अपनी नींद से बेदार हुए तो उनकी दुनिया बदल चुकी थी। बाज लोग जो होते हैं अल्लाह उनकी जिंदगियों को बदलने के लिए कुछ ऐसे अस्बाब पैदा करता है। वो इशारों को नजरअंदाज नहीं करते बल्कि वो ताईद इलाही और इशारे खुदावंदी समझकर उससे फौरन सबक लेते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अधम ने अपनी वो ममलिकत छोड़ दी, हुकूमत छोड़ दी और फिर उन्होंने अल्लाह के हुसूल के लिए और अल्लाह से कुर्बत के लिए वो सारा मुजाहिदे का रास्ता इख्तियार किया और बहुत बड़े अपने जमाने के कामिल तरीन बुजुर्ग बने। तो जो चीज जहां खोती है वहां ढूंढा जाता है। इसी तरह हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में एक वाकया लिखा है कि एक आदमी चिराग लेकर रात में कोई चीज ढूंढ रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या ढूंढ रहे हो? तो कहने लगे मेरी अशरफी खो गई है, मैं चिराग लेकर उसको ढूंढ रहा हूं। कहा अल्लाह के भोले बंदे कहां खोई है? कहा घर में खोई है। तो कहा जब घर में खोई है तो घर में ढूंढो, यहां थोड़ी मिलने वाली रास्ते पर। तो उसने कहा जलालुद्दीन, जो चीज जहां खोती है वहां मिलती है। तो मैं दोनों हिकायतों को बयान करने का मकसद यह है कि हम अस्बाब का रोना तो रोते हैं, हर एक को देखो परेशान है और हर आदमी किसी न किसी दर्जे में शिकायत कर रहा है। और हालात की शिकवा जो होता है वो मेरे भाइयों बहुत कम लोग ये बात समझते हैं कि हालात की शिकायत खुदा से शिकायत है। खुदा पर ऐब लगाना है और आदमी खुदा के फैसले पर अपनी नाराजगी जताने के लिए लोगों से कहता है ऐसे हालात ऐसे हालात, क्योंकि खुदा का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो अपने गुस्से को और अपनी नाराजगी का इजहार के लिए लोगों के सामने कहता है। और ये कजा बिल कद्र का जो अकीदा है, जो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, उसके खिलाफ है और आदमी गुनाहगार होता है। हालात का शिकवा करना, खुदा के साथ आदमी मायूस हो चुका है खुदा से, इसलिए वो शिकवा करता है।
हालात का शिकवा करना कुफ्र है। आदमी जब खुदा की रहमतों से नाउम्मीद होता है तब जाकर वो शिकवा और शिकायत करता है। खुदा से उम्मीद रखने वाले कभी शिकायत नहीं किया करते। हमने ईमान लाया है, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला। या मैं ईमान लाया हूं तकदीर पर, अच्छी और बुरी अल्लाह की तरफ से, हालात जो भी हैं मेरे अल्लाह की तरफ से। तो कुरान मजीद ने हमको कौमों के वाकयात बयान किए कि जब उनके मसले बिगड़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके मसलों को सही करने के लिए उनके पास नबियों को भेजा। अल्लाह के नबी आए और अल्लाह के नबियों ने उनके मसाइल, बहुत परेशान थे वो, एक बहुत बड़ा सरमायादार और असरदार तबका जो है उसके पास सरमाया जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था और मजलूम मजलूम बनता जा रहा था, पानी सर से ऊंचा हो गया था, इंसानी जिंदगियां बिगड़ चुकी थी, अल्लाह की नाफरमानियां अपनी इंतहा पर थी और जब आदमी मायूसी का शिकार होता है तो शैतान उसके लिए शिर्क और कुफ्र के दरवाजे खोल देता है और वो कुफ्र और शिर्क की दलदलों में फंसकर आला तरीन और इंतहाई दर्जे की गुमराही में मुब्तला होकर खुदा से दूर हो जाता है। तो ये उन कौमों के साथ हुआ था। फिर क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को भेजा। नबियों ने अपनी अपनी कौमों को ये बात समझाई कि देखो तुम्हारे मसले बिगड़े हुए हैं, मौकों से बारिश नहीं हो रही है, बेमौका बारिशें हो रही है, फसलें पकने के वक्त में तूफान आकर तुम्हारी फसलें तबाह और फसलों की बुआई के जमाने में फसल बारिश नहीं हो रही है, कभी तूफान आकर और सैलाब आकर तुम्हारी फसलें तबाह, कभी बारिशें न होकर तुम्हारी जमीनें तबाह, तो तुम्हारी ज़िराअत मुतासिर हो गई, तुम्हारे पास इनकम ऑफ सोर्स जो है, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी माशी हालत बिगड़ चुकी है और तुम्हारे मसाइल ऐसे और ऐसे हैं, औलादों में कमी हो गई, माल में कमी हो गई, फसलों में कमी हो गई, फलों में कमी हो गई, परेशानियां बढ़ गई, ज़हनी तनाव और डिप्रेशन के तुम शिकार हो गए, तो अब तुम इन मसलों को अगर हल करना चाहते हो तो हम तुम्हारे पास वो नुस्खा कीमिया लेकर आए हैं जिसकी मदद से तुम्हारे बिगड़े हुए मसले हल हो जाएंगे। नबियों ने अपनी कौमों को समझाया, उसका हल क्या है? उसका हल है अल्लाह की तरफ पलटकर आना, अल्लाह की इबादत करना, क्योंकि मसाइल अल्लाह के हाथ में है, मसाइल की रस्सी अल्लाह के हाथ में है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है। अल्लाह चाहेगा तो मामला बनेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो मामला नहीं बनेगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात भी वादे कर दी कि ज़हरल फसादु फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, के जमीन में और समंदरों में बिगाड़ जो नजर आ रहा है ये इंसानों के आमाल का नतीजा है। समंदरों में सोनानियों का आना, समंदरों की मौजों का बेल काबू हो जाना, समंदरों का आतिशफशन लावे उगलना, समंदरों में गर्मी का बढ़ जाना, समंदरों में मुख्तलिफ किस्म के जलजलों का आना और जमीन पर के हालात का बिगड़ जाना, खेतियों का फसलों को न उगाना, ये सारी चीजें जो है मुख्तलिफ मौलिक बीमारियों में इंसानों का मुब्तला हो जाना, ये सारी की सारी जो है ये इंसानी बदआमालियों का नतीजा है। ज़ारल फसाद फिल बर, के बिगाड़ जो जाहिर हो रहा है जमीन में और खुश्की में और समंदरों में, ज़ारल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदिन्नास, ये इंसानों के आमाल की वजह से होता है। आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हुक्मरा हैं, अगर आमाल अच्छे जाएंगे फैसले अच्छे आएंगे, आमाल बिगड़े हुए जाएंगे
फैसले बिगड़े हुए आए। इसलिए आप देखिए कि आज इंसान परेशान है और बहुत परेशान है, और वो परेशानी में ये कहने पर मजबूर है कि हालात बहुत खराब हैं, कारोबार बिल्कुल चौपट हो गया है और बहुत दिन ब दिन हालात दिगरगु होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, उस पर गौर क्या है कि उसकी वजह ये, उसकी वजह ये, उसकी वजह ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, मुख्तलिफ चीजों पर इंसान का ज़हन जा रहा है, और जो असल मर्ज है उसकी तरफ इंसान तवज्जो करने के लिए तैयार ही नहीं। जिसको किसी ने कहा था, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के बेटे से दवा लेते हैं। यानी जिस अत्तार से, जिस हकीम से बीमार हुए उसी के बेटे से दवा ले रहे, यानी तदबीर ही गलत है। तो जाहिर बात है बीमारी जाने का नाम नहीं लेने वाली, बीमारी बाकी रहेगी। आप बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो मर्ज की सही तशखीस के बाद ही बीमारी का इलाज मुमकिन है, क्योंकि बीमारी के लिए अल्लाह का उसूल यह है कि जब अल्लाह ताला शिफा किसी को देना होती है किसी मर्ज में, तो उस दवा देने वाले को बीमारी समझा देते हैं और दवा उसके मुआफिक में देने की उसको तौफीक देते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दवा में शिफा देते हैं और फिर उस दवा से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बीमार को अच्छा करते हैं। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा, फैजा मरिस्त फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो वो शिफा देता है, मैं बीमार होता हूं तो वो शिफा देता है। तो इसके लिए हम गौर करें कि हमारे हालात जो है वो इतने बिगड़े हुए हैं और हम उन बिगड़े हुए हालात का दोष दूसरों को देते हैं। नहीं मेरे भाइयों, गौर ये करने की जरूरत है कि मसला हमारा बिगड़ा हुआ है, हमको इस मसले को हल करना है, तो सबसे पहला मसला यह है कि हम अपने अंदर गौर करें, हालात क्यों बिगड़ते हैं, हमारा कहां मामला खराब हो रहा है। अगर आप अपनी जात में सही है तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके घर वाले, यहां इनमें कोई बिगाड़ है तब भी पकड़ होगी, तब भी पकड़ होगी। कराबत के तोड़ने से, रिश्तों के तोड़ने से रिश्ते का मामला बिगड़ जाता है। आप भाई से बात नहीं करते, आप रिश्तेदारों से बात नहीं करते, आप सिला रहमी नहीं करते, आप कराबतदारियों का ख्याल नहीं करते, तो अल्लाह को भी परवाह नहीं, क्योंकि कराबतें और सिला रहमी और रिश्तेदारियां अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास उनका पास लिहाज बहुत जरूरी है। और जो रिश्तों का पास लिहाज नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसे लोगों की परवाह भी नहीं है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके रिस्क पर मार मारते हैं, उनके रिस्क पर मार मारते हैं और उनके रिस्क में तंगी कर देते हैं। तो गौर करना चाहिए कि हमारा मामला बिगड़ रहा है तो कहीं हमारा कराबत में दारी में तो कहीं हमारा बिगाड़ नहीं आ गया, हमारी किसी से अनबन हो गई है, रिश्ते में हमने कहीं कोई मामला बिगड़ रहा है हमारा, हम किसी के हक की अदायगी में कोताही हमसे सरजद हो रही है। सबसे पहले इस बात पर गौर करो, अल्लाह की नाफरमानी के बाद कि कहीं अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो रही, खुला कोई गुनाह तो नहीं हो रहा। क्योंकि जिना करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क को उठा लेते हैं, घरों में जिना तो नहीं हो रहा। और मेरे भाइयों, जिना सिर्फ मर्द और औरत के नाजायज ताल्लुकात ही तक नहीं है, बल्कि जिना का दायरा आज के जमाने में बहुत बड़ा हुआ है। आंखों का जिना, कानों का जिना, जबानों का जिना, हाथों का जिना, पैरों का जिना, मजलिसों में बैठे तो औरतों के तस्करे, वो तस्करा जिना का तस्करा, ये सारे जिना। फिर मोबाइल में नामहरम औरतों को देखना, आंखों का जिना, ये सारे जिना हैं और ये जिना की शक्लें हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनसे बचने का हुक्म दिया है। सबसे पहला तीर जो है शैतान का वो आंख है, इसने मना किया कि इनसे बचो, इससे रिस्क की बरकत चली जाती है। आज निगाहों का बचाना मुश्किल, आज निगाहों का बचाना मुश्किल, लिबास ऐसे, माहौल ऐसा, तो हम उससे बचने की कोशिश करें। फिर मोबाइलों पर व्हाट्सएप के जरिए से पराई लड़कियों से गुफ्तगू करना, ये सब वही है। घरों में नौसतों को लाने वाला, रिस्क की तंगियां पैदा करने वाला,
अल्लाह को नाराज करने वाला अमल है, अल्लाह ने मना किया है। पराई औरत की आवाज भी पर्दा है, इसलिए औरतों को हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई पराया मर्द आए तो तुम बहुत सुरीली आवाज में मत बात करो, बल्कि खनकदार गरजदार आवाज में बात करो ताकि तुम में रगबत न पैदा करे। अल्लाह ने औरत की आवाज में भी जादू रखा है और लोग उसकी तरफ माइल होते हैं। तो ऐसे आप कौन हैं इस तरह मत पूछो, कौन है डांट कर के अंदाज में पूछो ताकि आइंदा उसकी हिम्मत ना हो कि वो आपके घर में आए। आज हमारे घरों में कौन कौन आता है? आपने दुकान पर सामान लिखा दिया, आपकी गैर मौजूदगी में सामान डालने वाला आ रहा है, सिलेंडर वाला आ रहा है, गैर मर्द आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरे भाइयों, औरतें उनसे पर्दा नहीं करती है, मर्द है नहीं आ रही है, काम करने वाले घरों में काम करने वाले मर्दों से पर्दा है, लेकिन आ रहे हैं काम करने वाली आ रही है, मर्दों को उनसे पर्दा करना है, आ रहे हैं जा रहे हैं पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं है। हालांकि औलाद के लिए भी हुक्म है, सूरह नूर में अल्लाह ताला ने तीन वक्त बताए कि माँ बाप अपनी औलाद से भी इन तीन वक्तों में पर्दा करेंगे। एक तो ये है फजर से पहले, एक है ईशा के बाद, और एक है जहर के बाद। जब तैलूला करें तो औलाद को अपने पास ना रखे, मियां बीवी जब तखलिये में और तन्हाई में हो तो पर्दे का हुक्म है। औरतों के लिए बेबरकती की बात है, और फरिश्ते नहीं आते उन घरों में जिन घरों में औरतों के सर खुले होते हैं। आज तो लिबास कैसे, मां का ये हिस्सा देखना बालिग औलाद के लिए जायज नहीं, हराम है, गुनाह होता, खुला है यहां से मां का खुला, ये पेट खुला, पीठ खुली, गुनाह हो रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, हम उस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहां वो सातर लिबास, पहले पुरानी बूढ़ी औरतों को देखो, उनके सरों से दुपट्टा नहीं निकला करता था और वो लपेट कर रखा करती थी हमेशा, और वो ढीले ढाले बुरके पहना करती थी और चलने में भी बूढ़ी हो जाया करती थी। आज भी उन बूढ़ी औरतों को देखो, रास्तों पर चलती है तो सिमट कर, दब कर, डर कर, बचकर इस तरह चलती है, मर्दों के सामने नहीं आती। और आज की नई जनरेशन को देखो, दनादन दनादन ऐसा औरतें चलती है कि उनका पूरा जिस्म उनके अंदर की कैफियत को बयान करता है, गुनाह है। और जो औरतें अपने जिस्मों की नुमाइश करती हो और लोगों के दिलों के लुभाने का सबब बनती हो, वो लानत के साथ घरों से निकलती है और अल्लाह रसूल फरिश्तों की लानत के साथ अपने घरों में जाती है। हदीस है, शैतान जब औरत घर से निकलती है तो उसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुलंदी पर पहुंचा देता है, चाहे वो काली हो, गोरी हो, बदशक्ल हो, कैसी भी हो, वह देखने वाले को भली लगती है। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, बिला जरूरत निकलने को कुरान ने मना किया, वाला तबर्रुज न तबर्रुज अल जाहिलियत लूला, के जमाने जाहिलियत की औरतें जिस तरह निकला करती थी, जिनके पास दीन में ईमान नहीं, हमारे ईमान वालों की औरतें उस तरह बाजारों में और घरों के बाहर न निकले। वकर नफी बुयूती कुन्न वाला तबर्रुज न तबर्रुज अल जाहिलियत लूला, अपने घरों में करार पकड़ो, बिला वजह मत निकलो, और निकलना भी है महरम के साथ निकलो। हज जैसा अमल बगैर महरम के नहीं होता। मेरे भाइयों, बाजार में जाना है किसी जरूरत से, दवाखाने में जाना है किसी जरूरत से, और वो भी शरी जरूरत हो, तो अपने महरम के साथ जाए। आज जो हम गौर करने के लिए तैयार हैं, नमाजों का हमारे पास ठिकाना नहीं है। बालिग औलाद नमाज नहीं पढ़ती है, बूढ़े लोग नमाज पढ़ते हैं। कल फजर की नमाज में हर मस्जिद का सर्वे करना, कितने लोग मस्जिद में आते हैं सोते हैं। ईशा के नमाज के बाद सोने का हुक्म है कुरान में, ईशा की कुरान नमाज के बाद सोने का हुक्म है। मैंने गुज़िश्ता जुमे में भी कहा था कि रात का सोना जो है वो बेशुमार बीमारियों को दूर करता है, बॉडी रिफ्रेश होती है। हमारे को मना किया गया कि ईशा के बाद ईमान वाले
लायानी बातों में नहीं मुब्तला होते, वो सो जाया करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे यहां सुबह में कोई उठने के लिए, अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और अल्लाह के रसूल की बात है, पक्की है, सच्ची है, उसमें कोई शक शुबा भी नुकसान की बात है, कि नौम सबूहत तमन और रिस्क, सुबह का सोना रिस्क से महरूम कर देता है। परेशानी नहीं आएगी? फख्र के साथ कहते हैं, भाई मैं 11-12 बजे से पहले नहीं उठता, 11-12 बजे से पहले नहीं उठता। अगर सुबह की बच्चों की स्कूलें ना हो तो हमारे घरों में 11 बजे से पहले सुबह ना हो, 11 बजे से पहले सुबह ना हो। वो घर कैसे थे जहां रोजाना सुबह में तिलावतें हुआ करती थी, बड़े बूढ़े जागा करते थे, बच्चे जाग जाया करते थे। आज भी आप गांव में जाओ तो वहां रातें जल्दी हो जाती है, सुबह जल्दी हो जाती है, रात में कोई जागता नहीं है और सुबह में लोग जल्दी जागते हैं। एक मरतबा हम लोग एक जगह गए तो कुछ लोग साथ में शहर में रहने वाले थे, जो कभी फजर में नहीं उठे थे, उन्होंने सुबह नवापुर के अंदर उन्होंने सुबह का वक्त देखा, फजर के वक्त, तो उन्होंने कहा खुदा की सुबह इतनी हसीन होती है, आज हम पहली मरतबा देख रहे हैं, खुदा की सुबह इतनी हसीन होती है, हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरत सुबह होती है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हालात की हम शिकायत करते लेकिन हम अपने गरेबा में झांकने के लिए तैयार नहीं है कि मसले बिगड़ रहे क्यों हैं, हमारे अमाल बिगड़े हुए हैं, हमारे अखलाक बिगड़े हुए हैं, हमारी माशरत बिगड़ी हुई है, हमारे अकीदे बिगड़े हुए हैं, हमारे अमल बिगड़े हुए हैं, हमारे लेन देन बिगड़े हुए हैं, हमारे मामलात बिगड़े हुए हैं, हमारा सारा बिगाड़ है। अब इस बिगाड़ के साथ अल्लाह की मदद, अल्लाह के फैसले, अल्लाह की तरफ से रिस्क के दरवाजे कैसे खुलेंगे? ये तो उस वक्त खुलेंगे जब हमारी जिंदगी सही होगी। साहबे किराम के मसले बिगड़े हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामा और इस्लाम जिंदगियों में आया, ऊंटों से चराने वाले दुनिया के हुक्मरा बन गए और बड़ी बड़ी दुनिया के जब्बारों की उन्होंने ताज उतार दिए और उनके तख्त ताज उनके कदमों में आकर गिर गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको उनके गुलाम बना दिया। शहजादियां साहबे किराम की बांधियां बनी क्यों? और आज हमारा माशरा देखो, हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम कुरान के हामिल हैं, हम इस्लाम का नाम लेने वाले हैं, लेकिन आज हमारे हालात क्यों खराब हैं? हमारा माशरा कंडम क्यों होता जा रहा है? हमारे नौजवान बेकाबू क्यों होते जा रहे हैं? हमारी बेटियां हाथों से निकलकर क्यों जा रही है? गौर करने की बात है और बहुत ज्यादा गौर करने की बात है। क्या आज मेरे भाइयों, कल शाम में, कल दोपहर में एक नौजवान मेरे पास आया जो बिरला कॉलेज में पढ़ता है, उसने मुझसे पूछा, कहने लगे मन साहब एक बात पूछना चाहता है। मैंने पूछे, कहने लगे हम कॉलेज में पढ़ते हैं और आज कॉलेजों का माहौल बहुत खराब हो चुका है, ऐसे माहौल में हमारी हिफाजत हम कैसे करें, हम अपने आप को कैसे बचाएं और दीन पर कैसे बाकी रह सकते हैं, कोई तरीका आप बता दीजिए, क्योंकि कॉलेज में तो आजकल बस लौ और प्यार ये एक मसला चल रहा है और हर लड़की लड़के के साथ हाथ मिलाती है और बस मुझे तुझसे प्यार है और मोहब्बत है और ये सब होता है और बड़े खुराफात होते हैं और बड़ी बुराइयां होती है, तो हम ये माहौल में बचना चाहते हैं। मैंने फिर उसको तीन बातें बताई कि भाई आप इन तीन बातों का एहतमाम करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हिफाजत करेंगे। एक तो एक नमाजों का एहतमाम करें, नमाजें अल्लाह ने कुरान में कहा इन सलात तन्हा अनिल फाशा इवल मुनकर, नमाज बुरी बातों और बुरे कामों से रोकती है। आप नमाज का एहतमाम करें, नमाज के एहतमाम से अल्लाह रब एक दीन की मेहनत से जुड़े रहें, क्योंकि दीन की मेहनत के जुड़ने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत करते हैं। वल्लाहु याहफिज़ुका मिनन्नास वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और बचा कर रखेगा। और तीसरी बात यह कि भाई इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, इसलिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो गुनाहों से दूर रखने का जरिया है। और घर से जब भी निकलो तो अल्लाह से दुआ कर निकला करो कि अल्लाह मुझे गुनाह से बचा कर रखना, मैं तेरे नाम के साथ घर से निकलता हूं, तू मुझे अब गुनाह से बचा कर रखना। तो मेरे भाइयों, आज तशवीश की बात यह है कि गुनाह
और मासियत के दरवाजे खुले हुए हैं। इस मासियत और गुनाह की दलदलों से बचना तो रिश्तों में बरकतें आएगी। आज हम सिर्फ शिकायत, तो कुरान ने कहा हजरत मूसा अलैहि सलाम आए अपनी कौम की तरफ, उनकी कौम का मामला बहुत बिगड़ा हुआ था, तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा, ऐ मेरी कौम एक तो तुम माफी मांगो, तौबा करो, अभी तक जो जिंदगी गुजार चुके तौबा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला यह है कि दो चीजों से गुना बाकी नहीं रखते, तीन चीजों से। एक इस्लाम, अल इस्लाम याहदी मा कान कबलहू, इस्लाम कबूल करने वाले की सारी गुनाह और सारी खताएं इस्लाम के कबूल करने से माफ कर दी जाती है। दूसरा हल हाज, हाजी, हाजी के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं जो हज से पहले उसने किए हैं। और एक तौबा, अत्तौबतु तहदीमु मा काना कबला, और तौबा वो सारे गुनाह जिसकी तौबा कर ली जाए, माफी मांग ली जाए, उसको मिटा देता, फिर वो नामे आमाल में बाकी नहीं रहता। तो इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा, अपने परवरदिगार से माफी मांगो। एक इन्नहू काना गफ्फारा, वो बहुत माफ करता है, उसको परवाह नहीं होती, सौ के कातिल को माफ कर देता है। बनी इसराइल के एक आदमी ने सौ कत्ल किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको माफ कर दिया, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह अत्ताइब मिन अज़्म कमल्ला ज़म्बलहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह नहीं किया। अत्ताइब मिन अज़्म कमल्ला ज़म्बलहू, तौबा करो, इस्तग़फिरू। इस्तग़फार से मसले हल होते हैं। पहली बात बताया था कि अल्लाह के साथ मामला सही करो, अल्लाह से मामला बिगड़ेगा तो मामला बनेगा नहीं, अल्लाह से मामला बिगड़ना नहीं चाहिए, अल्लाह से मामला बना कर रखो। अल्लाह से मामला बनाने का तरीका क्या है? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, यह अल्लाह से मामला बनाना। और जिसका मामला अल्लाह से बन गया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साथ है, उसके साथ। इन्नल्लाह लमाल मोहसिनीन, अल्लाह अच्छे काम करने वालों के साथ है। और जिसके साथ अल्लाह हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई ताकत नहीं है दुनिया में कि उसके को नुकसान पहुंचा सके। हां इल्ला ये कि अल्लाह चाहे, इल्ला अय्यशा अल्लाह, इल्ला अय्यशा अल्लाह, इल्ला अय्यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह आपके साथ कोई बात का फैसला कर ले, करने का तो अलग बात, लेकिन दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती। तो एक तो अल्लाह के साथ, दूसरे ये वालिदैन की नाफरमानी से बचना। उकूकुल वालिदैन, रात में एक साहब आए, उनका बेटा भी उनके साथ था, कहने लगे मल साहब ये मेरे बच्चे को कहिए ये अपने वालिदैन के साथ तेज आवाज में बात करता है। मैंने कहा भाई बहुत बड़े गुनाह की बात है, मां बाप के साथ निगाह नीची करने की बात है। वक्सुद लहुमा जना हब्दुल्ल मिन अर्रहमा, वालिदैन के साथ पस्त आवाज से बात करो, पस्त आवाज से बात करो, उनके साथ ऊंची आवाज से बात नहीं करना। मां बाप का नाफरमान हमेशा रिस्क के लिए परेशान रहेगा, मां बाप को तकलीफ देने वाला हमेशा रिस्क के लिए परेशान रहेगा, यह अल्लाह का फैसला है, रसूलुल्लाह ने खबर दी है। कभी आसूदा नहीं हो सकता, कभी खुश नहीं जिंदगी गुजार सकता, वो हालात में रहेगा। मां बाप को नाराज मत करो, मां बाप का दिल मत तोड़ो, मां बाप से जोर से बुलंद आवाज से बात मत करो, मां बाप के सामने निगाहें नीची रखो, मां बाप का अदब करो, उनके सामने टांगे फैलाकर मत बैठो, और वो आवाज दे तो दौड़ो। वो कूला लहू कौलन, उनसे कौलम मारूफा, उनके साथ जो बात करो बहुत अच्छे अंदाज में बात करो, नरमी से बात करो, कौलन लगीना, नरमी से बात करो, स्पष्ट आवाज में बात करो। मां के पास आकर बैठो, कितने बदनसीब लोग हैं कि मां घर में है, बूढ़ी मां है, पांच पांच बेटे हैं, बड़ा घर बना हुआ है, अपनी बीवियों को लेकर निकल जाते हैं, मां खाट पर बैठी हुई देख रही है, लेकिन मां से एक लफ्ज नहीं बोलते। पहले मां के पास बैठ, मां की खिदमत कर, मां से बात कर, मां की वजह से बीवी है, मां की वजह से सब है, मां का हक है, मां के कदमों में जन्नत है, मां की दुआ पर कुदरत के फैसले बदलते हैं, मां की दुआ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श हलता है, मां की दुआ पर अल्लाह जो चाहे बंदे को दे देते हैं, मां का जब हाथ की आह निकल जाती है तो कुदरत, खुदा की कुदरत में जलजला आ जाता है,
मां की आह से बचो। तीसरी बात, रिश्तेदारों के रिश्ते कराबतदारियों को जोड़ो। अल्लाह रिश्तों के तोड़ने से बहुत नाराज होता है। अल्लाह ने कहा है कि असिलु मन वसला इलैक वअक्तु मन कता इलैक, मैं उससे जुड़ूंगा जो तुझसे जुड़ेगा, जो रिश्तों को जोड़ेगा मैं जुड़ूंगा, और जो रिश्तों को काटेगा मैं उससे काटूंगा। जुड़कर रहोगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास क्या है, वल कज़ीमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। गुस्से को पी जाना और दरगुजर करना, अल्लाह ये अच्छे काम है इनको पसंद करता है। अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की मदद आती है। तो एक तो ये कि रिश्ता जोड़ना, अगर हमारा किसी रिश्तेदार से कुछ भी उसने तकलीफ दी, तो बहुत सताया आपको, एक सवाल करने लगे, मेरा जी नहीं चाहता कि उसकी सूरत देखूं, जी नहीं चाहता कि उसको माफ करूं, मैंने कहा तब भी माफ करो, और जी नहीं चाहता तब भी जाकर मिलो, अल्लाह का हुक्म यही है। उसने बहुत सताया, तब भी जाकर मिलो, जी नहीं चाहता तब भी माफ करो। एक कहने लगे मैं जाता हूं लेकिन वो बात नहीं करता, वो मिलना नहीं चाहता, वो कहता तू मेरा भाई नहीं है। मैंने कहा आप जाकर मिलो, आज सलाम करो, वो मिले या ना मिले, वो मिले या ना मिले, आप अपना काम करो, क्योंकि आप अल्लाह के यहां ओहदा बड़ा हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाएंगे, वरना अल्लाह की पकड़ आएगी। अल्लाह के यहां निजाम चलता है। और फिर उसके बाद मेरे भाइयों, इस्तगफार है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, इस्तगफिरू रब्बकुम, तौबा कर लेना। इसका ये इसको तौबा नहीं कहते, एक एक गुनाह को याद कर दो दो रकात नमाज सलात तौबा पढ़कर दुआ करना तन्हाइयों में, ए अल्लाह अगर तन्हाइयों में गुनाह किए तो तन्हाइयों में तौबा करो, मजमों में गुनाह किए तो मजमों में तौबा करो, मिलकर तौबा, गुनाह किए तो मिलकर तौबा करो। हजरत इब्राहिम, हजरत आदम और हजरत हव्वा ने मिलकर गुनाह किया तो मिलकर तौबा भी की, रब्बना ज़लमना अनफुसना वल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना वल्लम तग़फिर लना वतरहमना, अगर आप हमको माफ नहीं करेंगे और आप हम पर रहम नहीं करेंगे, लनकूनन मिनल खासिरीन, हमारा नुकसान ही नुकसान है, घाटे में हो जाएंगे। इसलिए तौबा करो। अब मेरे भाई इस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, हज़रत हूद आए तो उन्होंने भी कहा ए मेरी कौम इस्तग़फिरु रब्बकुम, अपने परवरदिगार की तरफ पलट कराओ, छोड़ दो वो गलत जिंदगियां, छोड़ दो अल्लाह की नाफरमानियां, मानो अल्लाह की हुक्म पूरे करे अल्लाह के, फिर देखो क्या होता है। इरसिल समा अलैकुम मिदरारा, आसमान बरसेगा मिद्रार लगातार, इरसिल समा अलैकुम मिद्रार वही उम्दित तुम बे अम्बालिम व बनी, अल्लाह तुम्हारे मालों में और औलाद में बरकत देगा, औलाद में भी बरकत, माल में भी बरकत, औलाद में भी बरकत होगी। औलाद की बरकत का एक मसला यह है कि आज दुनिया में ज्यादा औलाद को लोग पसंद नहीं करते, और अल्लाह कहता है ज्यादा औलाद दूंगा, तुम्हारी औलाद में खूब बरकत दूंगा, खूब बरकत दूंगा, खूब बरकत। औलाद की बरकत दो है, एक तो नफरी ज्यादा हो जाएगी 12, 15, 20, जितने बच्चे ज्यादा रहेंगे उतना इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, सब बच्चे कमा कर लाएंगे, अब्बा बुढ़ापे में आयश करेंगे, खाट पर बैठे रहेंगे, सब कमा कर ला रहे, अब्बा को देते जा रहे, अब्बा खुशहाल। तो जितने अमृत तहसीन जो हिंदुस्तान का जिसको नोबेल प्राइज मिला है, उसने फैमिली प्लानिंग की मुखालिफत करते हुए एक आर्टिकल लिखा था, उसने लिखा था कि नजरी पागलपन पर मबनी है कि फैमिली प्लानिंग कर दो, नहीं, जितने हाथ ज्यादा होंगे उतना इनकम बढ़ेगी, गलत है कि बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे तो परेशानियां नहीं, बच्चे ज्यादा होंगे तो मसले हल होंगे। तो अल्लाह के, और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, फन के उल वदूद अल वलूद इन्नी मुकाफिर बिकुमुल उमम, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली और बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरतों से निकाह किया करो, मैं तुम्हारी कसरत पर फख्र करूंगा। अल्लाह के रसूल ने हजरत अनस को दुआ दी, अल्लाहुम्मा ज़िद फी मालिका व फी औलादिक, अल्लाह तेरे माल में भी बरकत दे, तेरी औलाद में भी बरकत दे।
सीरत निगारों ने उनके बच्चों की तादाद लिखी है, 120 बच्चे थे। हजरत अनस को बच्चे कितने थे? 120 बच्चे थे। यहां दो में उल्टे हो जाते, यहां दो में बस बस, वहां 120 बच्चे थे और कोई परेशानी नहीं थी। तो परेशानी मैं मस्जिद नबवी में एक दर्श में शरीक था, तो वो जो वहां उस्ताद थे उन्होंने मुझे दावत दी कि आज खाना आप मेरे साथ मेरे घर पर चल करें और नमाज ईशा के बाद आप इस गेट पर आ जाएं, मैं अपनी कार पार्किंग से लेकर यहां खड़े रहूंगा, आप आ जाइए। मैं नमाज पढ़ा, उसके बाद मैं उस गेट पर पहुंच गया, वो कार लेकर आ गए, मैं उनके साथ बैठ गया, उनके घर पर गया। उस दिन उनके यहां इमाम हरम मस्जिद नबवी के इमाम शेख कासिम को भी दावत थी और शेख बासित के लड़के उनको भी दावत थी और बहुत सारे लोगों की दावत थी। मैं बैठ गया, उनके साथ गया। अब वो घर पर गए तो हम पहले पहुंच गए थे, उनको जल्दी आना था, बाद में मेहमान बाद में आने वाले। उन्होंने आवाज देना शुरू, अब्दुल वाहिद, अब्दुल अहद, अब्दुल समद, अब्दुल बासित, अब्दुल कादिर, अब्दुल राजिक, अब्दुल मोहित, अब्दुल मुक्सिद, फला फला, सारे के सारे बच्चे। कारी साहब ये कोई मकतब है? कहने लगे नहीं, ये सब बच्चे इस बंदे के हैं और अल्लाह के फजल करम से 27 बच्चे हैं, सारे हाफिज हैं, आलिम हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सब पढ़ाते हैं। कोई उम्मुल कुरान है, कोई मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और सारे के सारे मुतवा और दीन की बरकत। और मेरे भाइयों, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आपने इमाम साहब है, इनकी तनख्वाह कितनी सब जानते हैं, कितनी तनख्वाह रहती है मौजिन, लेकिन हमेशा साफ टिप टॉप, बेहतरीन कपड़े, कड़क इस्तरी। कभी कोई मौलवी को आपने एजिटेशन करते हुए नहीं देखा, हमारी मांगे पूरी करो। अगर भिवंडी में मौलवी लोग मोर्चा निकालेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, नहीं तो हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे, मुर्दे नहीं दफन करेंगे, बच्चे पैदा होंगे तो अदान नहीं देंगे, फिर क्या होगा? निकाले कभी एजिटेशन? कभी मोर्चा निकला? कभी एहतजाज हुआ? जितना मिर्रा खुश है, खुश है, आसूदा है, रोते नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। आपकी जरूरत है चाय पिलाते हैं तो पी लेते हैं, किसी को चाय भी नहीं मांगते, खुददारी के साथ रहते। अल्लाह जरूरतें पूरी करता है, दिल मुतमईन है, मस्त मीठी नींद सोते। सारे मौलवियों को देखो, इस शहर के देखो, कहीं के भी देखो, मुतमईन है। तनख्वाहें 10,000 के अंदर है और 10,000 में कारीगर की तनख्वाह नहीं, 15 दिन की पंद्रहिया की तनख्वाह वो जो है वो 14,000 और 15,000 उठा रहा है। और मेरे भाइयों, अब एक मौलाना की तनख्वाह है, हाफिज है और इमाम की तनख्वाह, तो ये क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूरत को इस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युर्सिलुस समा अलैकुम मिदरारा वे युम्दिदकुम बि अम्वालिन व बनीन, तुम्हारे मालों में और जानों में खूब बरकत देगा, खूब बरकत देगा। अल्लाह ताला बरकत देंगे, खूब बरकत होगी, माल में बरकत आएगी, औलाद में बरकत होगी, युम्दिदकुम। और तीसरी और आखिरी बात बताने जा रहा हूं, वैसे तो बहुत सारी चीजें कुरान ने बयान की है मसलों के हल के लिए, लेकिन आखिरी बात मेरे भाइयों, एक तो तौबा, वालिदैन के साथ सुलूक, रिश्तेदारों को, रिश्तेदारियों में अगर दलाल है तो उसको दूर करो, गुनाह कर रहे तो गुनाह छोड़ो और फिर अल्लाह की जात पर भरोसा रखकर अपनी तदबीर को सही करो और कमाओ। और शिकवा करना, शिकवा जो कर रहे ना आजकल, जिसकी जबान पर देखो हालात बहुत खराब, हालात बहुत, ये अल्लाह से शिकवा है, किससे? तौबा करो, गुनाह है, ये शिकवा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानते हैं, इन्नल्लाह यस्तुर रिज़्क लिमन यशा व यक़दर, अल्लाह ज्यादा जानता है किसकी रोजी कम करना चाहिए और किसको ज्यादा देना चाहिए, वो उसका मामला है। तो ये, और मेरे भाइयों, इसके साथ साथ अपने घर वालों के दीन की फिक्र करना, अपने घर वालों के दीन की फिक्र करना। अगर उनके अंदर बेदीनी रहेगी तो भी घरों में अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा उसने अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।